नहीं है, जिसके कारण वो आदमी स्टे करने में संकोच करता है। दूसरा, जितने भी हमारे होटल्स व्यवसाय के टैक्सेस हैं उन सब में छूट दी जाए। लोन हमें इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाए ताकि हम अपने बिजनेस को और फ्लरिश कर सकें, और जितनी भी आपदा के दौरान हमें नुकसान या हानि पहुंची है उसे आगे बढ़ाने में मदद मिले। तीसरा, हमारे जितने भी कर्मचारी हैं उनके आवागमन और उनकी सपोर्ट के लिए सरकार हमारी मदद करे, एवं हमारे राज्य कर की बढ़ोतरी में हमारा हाथ रहेगा, तभी रहेगा जब सरकार हमारी मदद कर पाएगी, वरना हम सारे होटल व्यवसायी, चाहे यहाँ की एसोसिएशन हो, मसूरी की हो, देहरादून की हो या हरिद्वार की, सभी लोग एक साथ होटल व्यवसाय को छोड़ने पर मजबूर होंगे, क्योंकि बिल्कुल भी काम है नहीं। सरकार की जो नीतियाँ हैं वो हमारे फेवर में नहीं है, इसीलिए हम सब ने ये फैसला किया है यदि सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो हम सभी लोग मिलकर होटल व्यवसाय को बंद करें। ये हमारी आज एसोसिएशन की जो वार्ता है, ये सरकार, राज्य सरकार से मांग है। सेंटर ने हमारी कुछ गाइडलाइन में छूट दी है, परंतु राज्य सरकार ने उसको मान्यता भी नहीं दी है। ना कोई ऐसा जियो आया कि होटल स्वामियों को कोई राहत हो या कस्टमर हमारे पास आके रुक सके। हमारी सरकार से मांग है, जितने भी उन्होंने प्रावधान रखे हुए हैं राज्य सरकार ने, चाहे वो कोविड का हो या वो क्वारंटाइन का हो, उसमें उन्हें एक सिस्टम बनाना चाहिए जिससे जो कोविड का टेस्ट है वो सीमा पर होए और वो व्यक्ति तब हमारे शहर के अंदर आए, जिससे वो हमारे होटल में आए, आराम से स्टे करे, सेफ, हमारा स्टाफ भी सेफ फील करे और वो खुद भी सेफ्टी से रहे। और दूसरा, जितने भी टैक्सीज हैं, होटल व्यवसाय पिछले 5-6 महीने से बहुत बुरी हालत में है, ये सभी को पता है, पूरे देश को पता है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बिल्कुल स्लम में चली गई है। तो हम सरकार से चाहते हैं कि हमारी जितने भी टैक्सेशन हैं उसमें छूट दी जाए, और हमारे जितने भी व्यवसायी हैं उनको इंटरेस्ट फ्री लोन्स का कुछ समाधान या सिस्टम डेवलप करें। वार्ता, प्रेस वार्तालाप की गई है, इनमें किन किन चीज़ों की खोलने की मांग सरकार से की गई है, किन किन चीज़ों को क्या रखा? सबसे मुख्य मांग हमारी, जो हमारे होटल व्यवसाय में वरदान बनती है और वादा बनती है, वो उस कस्टमर के लिए जो कंडीशन लगाई गई है कि 72 घंटे पहले का कोई टेस्ट नेगेटिव की रिपोर्ट हो, और उसके लिए हर जगह हर व्यवस्था ना तो हमारे शहर में है, ना हमारे बॉर्डर पे है, और ना ही वो इतने शॉर्ट पीरियड के लिए जो आना चाहता है उसके लिए इतना ज़्यादा खर्चा उठाना वो मजबूर होकर उनसे करना। दूसरी हमारी मांग, जो हमारा व्यवसाय है ये जो इंडस्ट्री में आना, इसके लिए जो चार्जेस बिजली के हमारे पे लगाए जाते हैं वो एक उद्योग के चार्ज लगाए जाए, ना कि कमर्शियल टैक्स होटल के ऊपर बिजली का टैक्स चार्जेज जो है। और इसी तरह हमारे पे जो पॉल्यूशन है, जब इस व्यवसाय से कुछ पॉल्यूशन ही नहीं हो रहा तो 2-4 साल के हेतु इस पॉल्यूशन टैक्स को किया जाए, और इसके साथ साथ जो कमर्शियल टैक्स, वाटर टैक्स, सीवरेज टैक्स, जो सीवरेज का कोई इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है, आया ही नहीं, तो ये सब टैक्स हमारे को सरकार द्वारा इसका राहत प्रदान की जाए। एसोसिएशन की तरफ से कुछ ऐसा निर्णय लिया गया कि देश मांगे हमारी बस यही है कि हमारे को इसके क्रियान्वित करने हेतु, इनके सुचारू चालू हेतु ये मांगे हमारी पूरी की जाए, जो जिससे मुख्य मांग हमारी बॉर्डर इशू है, बॉर्डर खोला जाए, टेस्ट खोला जाए। आप इस चीज़ को लेकर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री से जब हमारी सारे एसोसिएशन इकट्ठी हो गई, इसके कुछ पदाधिकारी समय लेके हम उनसे मिलकर आगे बढ़ाने के, कि उनसे आशा करेंगे कि जिन होटलों में शराब की बार वगैरह उनको भी खोलने की मांग, उनको भी खोलने की मांग हो, क्योंकि वो व्यवसाय काफ़ी समय से जंगे रहे, उससे जुड़े हुए कर्मचारी जो उत्तराखंड वासी हैं वह भी उसी में प्रभावित हैं, उनके परिवारों का भी पालन पोषण तभी हो पाएगा जब वो उसको सुचारू रूप से, एक हमारी भौगोलिक स्थिति है, आवागमन जो हमारा कुमाऊं और इधर गढ़वाल मंडल के बीच में यूपी बॉर्डर पड़ता है, इसके लिए भी हमारा कर्मचारी ना आ जा रहा है, ना सही हमारे वो हो सकता है। और इसके जो चार धाम की यात्रा के लिए ये जो 7 दिन वाली शर्त है उनके लिए लागू की जाए, जो हमारे स्टे करते हैं। होटल एसोसिएशन की बैठक हुई है तो उसमें आपने क्या क्या निर्णय लिया, क्या क्या बात की है उसके? देखिए, निर्णय कुछ नहीं है, हम निर्णय लेने वाले नहीं हैं, निर्णय नहीं है, हमारा आग्रह है सरकार से। अब आप खुद सरकार में अगर आग्रह कर रहे हैं,
ये एसोसिएशन है, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। इसमें हर लोग हर संगठन से जुड़े हैं, अलग अलग पार्टियों से जुड़े हैं। इस एसोसिएशन के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि इस टाइम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, क्योंकि देवभूमि है और यहाँ होटल व्यवसाय, टूरिज्म व्यवसाय सबसे ज़्यादा ख़त्म हुआ है, अफेक्ट हुआ है, रोज़गार ख़त्म हुआ, सरकार का राजस्व ख़त्म हुआ है, और यहाँ तक हुआ है कि होटल मालिक वो कहीं के भी हैं, उन्हें इतना बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है कि वो अपना परिवार भी नहीं चला पा रहे। तो सरकार से हमारी सिर्फ ये चीज़ें हैं कि होटल को फिर से सुचारू रूप से इसके चलाने का मौका दिया जाए। जो अब अनलॉक की हमारी नई नियमावली है उसमें होटल के रेस्टोरेंट, बार, बैंक के उसे प्रॉपरली एक नियमावली लाकर से करने का मौका दिया। कहीं ऐसे रुड़की के होटल है जिसमें कोरोना के जो पॉजिटिव आते हैं उनको आइसोलेट किया जाता है? देखिए, पहले तो मेरा मानना यह है कि जो होटल में हो रहा आपदा प्रबंधन में सरकार अपना ले सकती है कोई भी चीज़, और होटल स्वामी उसका सम्मान भी करेंगे हर देंगे। लेकिन मेरा थोड़ा सा विचार इसमें यह है कि जो शहर के अंदर के होटल हैं उन्हें ना छेड़ा जाए, क्योंकि आपस में आबादी होने के कारण आसपास वहाँ पर दिक्कत आती है। तो इसमें एक तो बाहर के होटल चिन्हित किए जाएं, और जो पैसा कस्टमर दे रहा है हमारे पास कैटेगरी होनी चाहिए कि कोई 500 रुपये दे सकता है तो 500 रुपये दे दे, कोई 1000 रुपये दे सकता है 1000 दे दे, उस हिसाब से ही सरकार को करना चाहिए और होटल का भुगतान देना चाहिए, जिससे होटल व्यवसाय भी चल जाए और मरीजों को भी ठीक कराया जा सके, उनको कोई दबाव नहीं। ऐसे कोरोना जैसे 1000 पासेज इशू होते हैं जिले में, हमारा मानना यह है जब पास किसी को दे दिया गया तो वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है। तो जो हमारे होटल में आ रहा है, बाहर का कस्टमर अगर आ रहा है तो उस पर पास आने का, उत्तराखंड में घुसने का, तो अगर हम कमरा दे रहे हैं तो जब सरकार ने ही उसको पास इशू कर दिया है तो हम कैसे माने? वो तो सरकार ने ही जिम्मेदारी पे दिया है। तो हमारा आग्रह ये है कि अगर बॉर्डर पे ही रैपिड टेस्ट की उस पास के साथ एक रसीद लग जाए कि कोरोना नेगेटिव, तो ये सारी समस्याएं क्वारंटाइन की 14 दिन की, 7 दिन की या टेस्ट कराने की, वो सारी होटल व्यवसाय के लिए खत्म हो जाएंगी। दूसरा, रैपिड टेस्ट की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। अगर कोई कस्टमर आ जाए, रैपिड टेस्ट हो नहीं रहा है, अब 4 दिन में उसका रिजल्ट आते हैं या 3 दिन में आते हैं, तो कहाँ कस्टमर तो चला जाएगा, व्यवसाय खत्म हो जाएगा।